Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. देवियों ये क्या कर रही हैं आप? उठाइए अपने अस्त्र और संपूर्ण शक्ति से इन असुरों का सामना कीजिए। ये दोनों योद्धा समान देवी आप हमें अस्त्र उठाने के लिए क्यों कह रही हैं? हम में इतने बल और इतनी ऊर्जा कहाँ है? हम तो बहुत थके हुए हैं। मुझे तो अब इतनी नींद आ रही है कि लड़ना तो दूर, मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो सकती। गणेश जी, आपकी दुविधा मिटाने का कोई तो उपाय होगा जिससे आप पिताश्री को माता की मानता और महिमा से परिचित करा के उन्हें ऐसा अनुचित युद्ध करने से रोक सके। मोदक खाने से आपकी एक कठिनाई उत्पन्न हुई है ना, तो उन्हें बचा कर फिर से कुशल होने का कोई तो उपाय होगा। पुत्र, अभी मैं तुम्हें जो पाचन बूटी दे रही हूँ इससे तुम्हारा भोजन तो पच जाएगा, किंतु ये तुम्हें ही नहीं। अभी तो सभी को स्मरण रखना होगा कि उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन करने से ही शरीर को उसका लाभ होता है और शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, अब मैं ये सदा स्मरण रखूँगा और आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। अब तो मेरी अवस्था में सुधार का एकमात्र उपाय है पाचक बूटी रस। पाचक बूटी रस? हाँ पुत्र कार्तिक, जब भी पुत्र गणेश कुछ अधिक भोजन कर लेता है तो उसके पाचन के लिए मैं उसे जिस बूटी का रस देती हूँ वही पाचन बूटी रस है। तो आप मुझे वो पाचक बूटी रस दीजिए, मैं उसे गणेश तक पहुँचा दूंगा। किंतु पुत्र, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें नंदी जी और श्रृंगी जी को भी अपने साथ ले जाना होगा जिससे वो भंडासुर और उसके भ्राताओं का ध्यान भटका सके और तुम शीघ्र ही पुत्र गणेश तक पहुंच सको। आज्ञा दीजिए माता। अभी तुम्हें अत्यंत शीघ्रता करनी होगी क्योंकि शीघ्र ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव अन्य देवियों और श्री माता ललिता के रथ तक भी पहुंच जाएगा। तुम इस देवी देवी की सेनापति हो ना, सर्वप्रथम तुम्हारा अंत करेंगे ना। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देती हैं, अभी भी रुक जाओ अन्यथा संहार होगा तुम्हारा। ये मैं क्या कह रही थी? वो देवी कौन है जो सिंहासन पर उन महानतम देवी के समान विराजमान है? कौन हो सकती है वो? माता के सबसे निकटतम और उन्हीं का अंश है माता मत्रीनाथा और माता दंडीनाथा। वो श्री माता ललिता को पहचानने में असमर्थ क्यों हो रही? विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव ऐसी मति भ्रम उत्पन्न करता है कि बुद्धिमान की बुद्धि और शक्तिशाली की शक्ति दोनों नष्ट हो जाती है। और जब स्वयं माता ललिता उस यंत्र की मर्यादा का पालन कर रही है तो उनका अंश, उनका रूप उसे कैसे भंग कर सकता है? Bye.
दासों, दुमिनी पुत्रों को विघ्नकर्ता यंत्र की शक्तियां देकर युद्ध के लिए भेजा है। देवी पराशक्ति हो या देवी ललिता, वो जो भी है शीघ्र इसके प्रभाव में होंगी, तब हमारे साधारण असुर ही उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आएंगे और तब पूर्ण होगा हमारा प्रतिशोध। मेरी आशा के अनुरूप आज का दिन अमरपुर के इतिहास का महानतम दिन होगा। आज मेरे प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से ये उल्का मुख इस देवी को पराजित कर मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे और वहां मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर प्रभु महाशिव को भी अपने निकट ले आऊंगा। वहां पहुंचने में कोई विलंब नहीं करूंगा। चलिए मयूर जी, शीघ्रता कीजिए। पुत्र कार्तिकेय नंदी जी और श्रृंगी जी को समय रहते पुत्र गणेश तक पहुंचना ही होगा, अन्यथा श्री माता ललिता के श्री रथ विघ्नकर्ता यंत्र से प्रभावित हो जाएंगे। प्रभु, यदि एकमात्र पाचक बूटी रस ही आपको स्वस्थ कर सकती है तो मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। इन प्रहरियों से कैसे बचूं? ये प्रहरी आपको ही ढूंढ रहे हैं मूषक जी। इनकी दृष्टि से बचकर आप ऐसे जाने में कैसे सफल होंगे? और यदि जाने में सफल हो भी गए तो भंडासुर और उसके भ्राताओं ने जो मायावी सुरक्षा चक्र रचा है उसे पार कर यहाँ लौट नहीं सकेंगे आप। प्रभु, फिर तो एक और उपाय संभव है। क्या मूषक जी? माता पार्वती की दृष्टि तो सदा आप पर ही थी। तब तो माता के मन में भी मुझ तक पाचक बूटी रस पहुंचाने का विचार अवश्य आया होगा। किंतु प्रभु, अमरपुर के प्रकट और अदृश्य सुरक्षा चक्रों को भेद कर उस रस को यहाँ पहुंचाएगा कौन? मयूर जी सावधान, रुकिए यहाँ। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम शीघ्रता करने के स्थान पर यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि जिन मायावी सुरक्षा चक्रों को देख रही है, हमें सर्वप्रथम उन्हें नष्ट करना होगा। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों इन असुरों का ध्यान बांटिए। मैं इस सुरक्षा चक्र को भेदने का कोई उपाय करता हूँ। और स्मरण रखिए, समय बहुत कम है, हमें शीघ्र ही यह जड़ी बूटी रस गणेश तक पहुँचानी होगी। चलिए मयूर जी। कितना भयंकर दृश्य है, एक और विघ्नकर्ता यंत्र माता के दूसरे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर ये दुष्ट असुर माता के श्रीरथ के निकट पहुंचता जा रहा है। हमारे विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव
तुम्हारी शक्ति में अभाव उत्पन्न कर रहा है देवी। अब शीघ्र हमारे वार से तुम्हारा अंत होगा। मेरी शक्ति इस सुरक्षा चक्र को भेदने में सहायक बनेगी। हम ऐसे युद्ध करेंगे कि ये असुर अपना ध्यान हम पर केंद्रित करने को बाध्य हो जाएं। उसी समय कार्तिक जी इस कवच को भेदकर भीतर प्रवेश कर जाएंगे। हमारे उल्का मुख और विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव दोनों एक साथ इन देवियों के रथों तक पहुंचेंगे, फिर उनके अंत के साथ इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र वहां पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा भूकंपन था, किसने आक्रमण किया हम पर? इन असुरों का ध्यान बढ़ गया है, मेरे लिए यही उचित समय है। मैं इस मायावी सुरक्षा चक्र को दो भागों में बांट दूंगा तो यह अपना प्रभाव खो देगा और मैं भीतर प्रवेश कर सकूंगा। यदिदेव सेनापति कुमार कार्तिक अमरपुर के भीतर पहुंच गए तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य हो जाएगा। ये मायावी पशु जो हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं। रोको इन पशुओं को। हम इन असुरों को हमारी ओर हम पर ध्यान देने के लिए विवश करके ही रहेंगे। पशु रुक जाओ। रुकोगे नहीं तो हमारी गदा की मार दोगे।
पशुओं की गदा नष्ट कर दी। इन पशुओं ने तुम्हें इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हमें चुनौती देकर दुस्साहस तो तुम कर रहे हो मूर्खो। प्रातविशंग, इन पशुओं को पशु बनकर ही दंड देना होगा। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के दूसरे शरीर तक पहुंच गया है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस नंदी जी और श्रृंगी जी कुछ और समय भंडासुर का ध्यान बांटने में सफल हो जाएं, तो मैं उसकी दृष्टि से बचा रहूंगा। मेरे भ्राता इन पशुओं को अवश्य पराजित करेंगे। तो ये पशु यहां आए क्यों हैं और बार बार मेरे महल को क्यों देख रहे हैं? मात्र इन दो पशुओं ने क्यों आक्रमण किया अमरपुर पर? देवी पराशक्ति ने भेजा है तो क्या ये मेरा यज्ञ कुंड नष्ट करने आए हैं? कहीं ये मात्र हमारा ध्यान तो नहीं बटा रहे और इनकी वास्तविक योजना कुछ और है। भंडासुर ने देव सेनापति कुमार कार्तिक को देख लिया तो उन्हें प्रथम पूज्य गणेश जी तक पहुंचने में विलंब हो जाएगा। तो फिर गणेश जी विघ्नकर्ता यंत्र के प्रभाव को श्री माता ललिता के रथ तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। भंडासुर इस पशु युद्ध को देखने में इतना व्यस्त है कि देव सेनापति कुमार कार्तिक भंडासुर की दृष्टि से बचने में सफल हो गए। मेरे भ्राताओं को पीछे धकेल दिया इन पशुओं ने। ये कैसी दुर्दशा कर दी इन दोनों ने हमारी। बस अब मेरा ये कार्य संपन्न होने ही वाला है। अब मुझे भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? कहीं कुछ तो है। मुझे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। अमरपुर मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। तुम निश्चिंत रहो अनुज, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूँ।
हमारी विशालता कभी भी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरने पर फिर उठने में निहित होती है।